हाँ भाई, वेलकम टू जी कबड्डी। आज जो आपका RRB JE के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें कुछ क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए हैं। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इससे एक आपको आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। देखिए, हमने जिस जो टॉपिक को आपको बताया सब वहीं से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपने अभी भी RRB NTPC की जो है प्लेलिस्ट नहीं देखी तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपको सभी क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे। देखिए, पहला ही क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि हालिया आंकड़ों के अनुसार किस रेलवे जोन को स्वच्छ रेलवे जोन घोषित किया गया। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बताया भी था कि दक्षिण रेलवे जोन को क्या है, सबसे स्वच्छ रेलवे जोन घोषित किया गया है। ठीक है, तो देखिए इतना बहुत ही इजी क्वेश्चन, कोई खास टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, तो आपको आराम से मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस भारतीय महिला को पहला नोबेल पुरस्कार मिला। तो आपको पता ही होगा, मदर टेरेसा को पहला नोबेल पुरस्कार मिला। आपको पढ़ाएं, देखिए एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किस पर आधारित फिल्म है, एक क्वेश्चन हमारे भैया ने ये पूछा। देखिए, हमने आपसे बोला था ना फिल्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखिए यहाँ से एक आ गया। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जीवन पर आधारित ये मूवी है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और देखिए इसका भी क्वेश्चन पूछा गया। ये टॉपिक हमारे पास अभी भी उपलब्ध है, इस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं, जहाँ पर हमने फिल्म संबंध जो क्वेश्चन लिखवाए वहाँ पर आप देख लेंगे उस टॉपिक को, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं। देखिए, हमने आपसे बताया था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यार मेंडलीफ ने जो अपनी आवर्त सारणी में 63 तत्व दिए थे, और देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, फिर क्या है, विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक किसकी होती है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता जो है सर्वाधिक होती है। फिर क्या है, देखिए ICC के चेयरमैन कौन है, ये क्वेश्चन हमने बताया था ना आपको, कौन कहाँ पर क्या है, तो ये क्वेश्चन देखिए पूछ लिया गया। शशांक मनोहर प्रेजेंट टाइम में ICC के चेयरमैन है, और एशियन गेम 2018 कहाँ हुए थे, तो ये क्वेश्चन भी हमने बताया था, एशियन गेम के बारे में हमने बोला था आपसे पढ़ना है आपको, तो जकार्ता इंडोनेशिया में हुए थे ये गेम। देखिए ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया। फिर एक है, पहला वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, तो सबको पता होगा भाई इंग्लैंड में हुआ था ये पहला वर्ल्ड कप। देखिए, फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित, तो यार के मणिपुर में स्थित है। फिर एक क्वेश्चन था कि किस वर्ष राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी, तो आपको रखा 1911 में जो है राजधानी कोलकाता से कहाँ से रहती, तो कि दिल्ली में स्थानांतरित हो गई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन और था आपका कि जो है बांग्लादेश की जो है मुद्रा का क्या नाम है, तो टका नाम है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने को बहुत ज़्यादा टफ नहीं, आप प्लीज़ मैं बोलूँगा कि RRB आपकी जो है NTPC, ठीक है, NTPC की जो प्लेलिस्ट है उसको आप पूरा जो फुल वॉच करें, जिसका कल पेपर है, जिसके आगे पेपर है, आपको बहुत सुविधा मिलेगी, क्योंकि सभी क्वेश्चन हमने आपको बहुत ही सिलेक्टेड लेवल से कराए हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जितना भी अपडेट होगा हम आपको चैनल पर बताते रहेंगे। ओके, थैंक यू।